हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम राहुल है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है उसको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड के एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या क्या चार्जेस है, मतलब ओवरऑल सारी जो भी इस क्रेडिट कार्ड की जहाँ जानकारी है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में बने रहें, आप खुद मतलब डिसीजन ले सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो में सारी जानकारी को हम कवर करेंगे, जैसे कि इसका ज्वाइनिंग फीस कितना है, रिवार्ड पॉइंट कितना है। हम SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप जितने भी पॉइंट्स है सभी को डिस्कस करेंगे और सभी जितने भी एडवांटेज है डिसएडवांटेज को जानेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। हम SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ पर सारी जानकारी को देखते हैं। तो जैसा आपको डिस्प्ले पे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से आपका जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड होने वाला है, यहाँ पे लिखा गया है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अमेजिंग कैशबैक। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड का नाम ही कैशबैक है, तो आप सोच सकते हैं इस पर कितना ज़्यादा कैशबैक मिलने वाला है। यहाँ पे अप्लाई करके सिंपली आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे इसके फीचर्स को भी बताया गया है, तो देखिए आप फीचर्स में क्या क्या बताया गया है। यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग फीस यहाँ पर नहीं लगेगी, पर आपको सेकेंड ईयर से जो रिन्यूअल फीस है वहाँ पर आपको 999 प्लस टैक्सेस यहाँ पे देना पड़ेगा। यानी कि आपको 1000 पकड़ के चलिए प्लस आपको जो टैक्सेस लगता है वो देना पड़ेगा, लेकिन ये आपका वेव अप हो जाएगा अगर आप एक साल में जो आपका 2 लाख रुपये स्पेंड करते हैं अपने कार्ड से, तो ये आपका जो 1000 रुपया है जो सेकेंड ईयर का रिन्यूअल फीस वो आपको नहीं लगेगा। नीचे में आपको ये बताया गया है इस कार्ड पे कितना आपको कैशबैक मिलेगा, तो 5% ऑन एवरी ऑनलाइन स्पेंड, मतलब जितना भी आप ऑनलाइन स्पेंड करते हैं एनी मर्चेंट पे, कोई भी मर्चेंट पे, तो वहाँ पे आपको 5% का कैशबैक दिखने मिलेगा और 1% आपको ऑफलाइन स्पेंड पे मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आप कोई शॉपिंग मॉल वहाँ जाके ऑफलाइन परचेस करते हैं तो वहाँ पर आपको 1% का कैशबैक इस कार्ड में देखने मिलेगा। और नीचे में बताया गया है कि जो कैशबैक आप अर्न करेंगे वो आपको कैसे मिलेगा, तो यहाँ बताया गया है कैशबैक विल बी ऑटो क्रेडिट टू योर SBI कार्ड अकाउंट विद इन 2 डेज ऑफ द नेक्स्ट स्टेटमेंट जनरेटेड। जब आपका मतलब नेक्स्ट मतलब जो पेमेंट जो आप मतलब ड्यू होगा वो जनरेट होगा, तो उसका 2 दिन पहले आपका जो कैशबैक है वो क्रेडिट आपके अकाउंट में, वो क्रेडिट कार्ड अकाउंट में कर दिया जाएगा आपका जो बिल जनरेट होने के 2 दिन पहले। उसका बाद यहाँ पे स्पेंड बेस्ड रिन्यूअल, यानी कि 2 लाख रुपये पर स्पेंड करते हैं तो आपका जो रिन्यूअल फीस वो आपको नहीं लगेगा, यही बताया गया है। नीचे आते हैं तो नीचे में बताया गया है वही सेम बात बताया गया है कि आपको लॉज पे कितना मिलेगा। यहाँ पे फ्यूल सरचार्ज वेबर 1% का है आपका फ्यूल सरचार्ज वेबर अक्रॉस ऑल पेट्रोल पंप, सभी पेट्रोल पंप पे। और नीचे में वही बताया गया कि ज्वाइनिंग फीस यहाँ पे मतलब नहीं लगता, मतलब कोई भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उस समय ज्वाइनिंग फीस आपको बहुत सारे क्रेडिट कार्ड में लगता है, तो इसमें ज्वाइनिंग फीस नहीं है और फर्स्ट ईयर का जो चार्जेस वही नहीं है, सेकेंड ईयर में रिन्यूअल फीस आपको देना पड़ेगा। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। एकदम इसका फ्रंट पेज पे ही बताया गया कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इसके SBI का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे, और यहाँ बताया गया है कि कैसे आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं सिंपली 3 प्रोसेस में। तो अप्लाई करने के लिए आपको पैन कार्ड फोटो आपका होना चाहिए और आधार कार्ड और बैंक अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पर होना चाहिए। तो ये सब आपके पास है तो सिंपली स्टार्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट देखने को मिलेगा। पहला में हमें पर्सनल डिटेल्स फिल करना है, सेकंड में हमें प्रोफेशनल डिटेल्स फिल करना है और थर्ड में हमें डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है। तो पहला हम प्रोफेशनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, पर्सनल डिटेल्स पे सॉरी, तो यहाँ पे अपना नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और मोबाइल नंबर एंटर करना है, OTP करना है और यहाँ पर प्रोफेशनल डिटेल क्लिक करना है। ऐसे ही आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं।